सर भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से एक बड़ी फिल्म आ चुकी है संघर्ष 2, कैसी लगी आपको? यस सर, मैं थोड़ी देर पहले देख के आया हूँ, बहुत ही शानदार पिक्चर है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा खेसारी लाल का फैन होने के नाते और भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी ऑडियंस हैं, जितनी भी पब्लिक है, उन सभी को एक गर्व महसूस हो रहा है इस फिल्म को देखने के बाद। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से इसके बाद एक और बड़ी फिल्म आने वाली है जो है पवन सिंह की हर हर गंगे। ठीक है, तो पहले तो अच्छा आपने जैसे पवन सिंह की बात की, तो देखिए अभी कुछ ही दिन पहले पवन सिंह ने सपोर्ट किया है खेसारी लाल यादव को, तो क्या लगता है कि अब दोनों फैंस को सपोर्ट मिल रहा है खेसारी लाल? देखिए वो जो थे पवन सिंह जी, उनके बीच मतलब सब वो क्लियर नहीं हुआ था, दोस्ती नहीं थी, दुश्मनी नहीं थी, तभी ये चीज़ पवन सिंह ने अपने एक लाइव इंटरव्यू उसमें इंस्टाग्राम पे बोल दी थी कि नहीं, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को जो भी ऊपर उठाएगा हम उसको खुल के सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब जब उनके बीच दोस्ती हो चुकी है, तो अब जो इनके बीच जो फैंस की वॉर थी ना, कि पवन सिंह का फैंस और खेसारी लाल का फैंस जो वॉर करते थे, लड़ाई करते थे कि नहीं पवन सिंह रेट खेसारी लाल रेट, ऐसा कुछ नहीं है। अब दोनों फैंस मिक्स हो चुके हैं, तो वो भरपूर प्यार दे रहे हैं खेसारी लाल की फिल्म को, और खेसारी लाल के फैंस भरपूर प्यार देंगे हर हर गंगे को। अभी बात आपने किसकी की है, संघर्ष 2 की, तो संघर्ष 2 पैसा वसूल फिल्म है, और मेरे हिसाब से ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पे सभी को पसंद आ रही है। हाँ, वो अलग बात है कि इस फिल्म को सोर्स कम मिले हैं, इस फिल्म को स्क्रीन्स कम मिले हैं, ये मैटर थोड़ा सा, बाकी देखा जाए तो ओवरऑल पैसा वसूल फिल्म है, बहुत ही शानदार कमाई कर रही है। क्या लगता है कमाई कर रही है? मतलब इसके मैं बताया ना कि इसकी स्क्रीन्स कम है, इसके शोज कम है, लेकिन फिर भी जितने भी शोज चल रहे हैं सभी के सभी हाउसफुल चल रहे हैं, और हिंदी ऑडियंस को पसंद आ रही है। कितने स्टार देने चाहेंगे? मैं इस फिल्म को दूंगा सर पूरे के पूरे 5 में से 5। ओके।